नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके साथ दीक्षा एक बार फिर हाजिर हूं एक बेहद ही दिलचस्प अपडेट लेकर। और अपडेट जुड़ी है 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स से। जी हां, द कश्मीर फाइल्स जब रिलीज हुई थी तब से ही काफी चर्चाओं में थी और अब एक बार फिर चर्चा में इसलिए है क्योंकि सिंगर सोनू निगम ने एक बार फिर से इस पर एक ऐसा ट्वीट, एक ऐसा जवाब दिया है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनू निगम का ये कहना है कि द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जिसे वह देख नहीं पाएंगे। जी हाँ, अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा है ये बात सोच रहे होंगे, तो आपको बता दें कि सोनू निगम का ये कहना है कि जिस तरह से फिल्म में ये दर्शाया गया कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ क्या कुछ हुआ, कश्मीरी पंडितों के परिवार के साथ क्या कुछ अत्याचार हुए, क्या कुछ दुख उन्होंने सहे, ये इस फिल्म में दर्शाया गया है। और सोनू निगम ने ये कहा कि इस फिल्म के चलते ही इस फिल्म में इतना सब कुछ दिखाया गया है और मैं इन सभी तरह के अत्याचारों से बहुत संवेदनशील हूँ, इसलिए मैं ये हिम्मत नहीं कर पाऊंगा कि मैं इस फिल्म को देखूं। जी हाँ, सोनू निगम ने इस तरीके से ये बयान दिया है कि इसके बाद ये चर्चा में आ गया है। साथ ही आपको बता दें कि पहले तक जब ये पिक्चर रिलीज हुई थी, जिस तरह से इसको प्रमोट किया जा रहा था उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने कश्मीर फाइल्स का नहीं बल्कि बीजेपी का मजाक उड़ाया है और बीजेपी पर उन्हें हंसी आती है। इस पर भी सोनू निगम ने जवाब दिया और सोनू निगम ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा ये कही गई बात सभी कश्मीरी पंडितों और उनके परिवार के लिए अनादर है। जी हाँ, सोनू निगम ने कश्मीर फाइल्स के लिए तो बात कही, साथ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई कटाक्ष पर भी अपनी राय दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिल्म में 1990 के दशक में जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उनके ऊपर कितनी तरह के उनको दुख सहने पड़े, किस तरह से वहां की पुलिस, किस तरह से वहां के लोग उनके साथ व्यवहार करते थे, ये सब दिखाया गया और फिल्म को देखते ही सबके सामने सच्चाई आई कि आखिर इस फिल्म में क्या था और किस तरह से सच्चाई जो कश्मीर में 1990 के दशक में हुई थी वो किस तरह से थी। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से कश्मीर फाइल्स ने सभी फिल्मों को पीछे छाड़ दिया क्योंकि छोटे बजट की फिल्म थी, 15 करोड़ से ही बजट की फिल्म थी और साथ ही 250 करोड़ तक की इसकी कमाई हुई। वर्ल्ड वाइड कमाई की बात की जाए तो वह भी बेहद जो थी धुएंदार रही। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से अभी तक भी कश्मीर फाइल्स को देखने लाखों लोग पहुंचते हैं और अपना जो सच्चाई है, असलियत है, वो सबके सामने आती है कि आखिर भारत ने पहले तक कश्मीर किस स्थिति में रहा। तो आखिर आपको यह अपडेट कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी ना भूलें। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।